दोस्तों, बीपी शेयर को खरीदने का बहुत ही बढ़िया समय आ चुका है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल सारी चीजों से इंट्रोड्यूस करने ही वाला हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ बेयर, स्वागत कर रहा हूँ दोस्तों इन्फो बेयर चैनल में। बात कर रहे हैं दोस्तों बीपी शेयर के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल अगर पसंद आता है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। बात कर रहे हैं दोस्तों बीपी शेयर के बारे में। जैसे मैंने कहा कि दोस्तों अब हम लोग जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सवाल ये आकर के खड़ा हो जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आ रहे हैं तो ये जो पेट्रोल बेचने वाली कंपनीज हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया या इंडियन ऑयल हो गया या फिर और कंपनीज जो है रिलायंस की, ये सारी कंपनीज का होगा क्या? यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों, ये आ जाती है। बट आपको एक बता दूँ, ये सारी कंपनीज जो है वो बहुत ही बढ़िया कोशिश में लगी हुई है कि खुद को ईवी सेंटर्स में यानी चार्जिंग स्टेशन में किस तरह से बदला जाए और किस तरह से समय के साथ में चला जाए, ये पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है बीपीसीएल को लेकर, और वेदांता इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो क्या खबर है, शुरू से शुरुआत करते हैं। देखते हैं, पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ दोस्तों मार्केट की तरफ, देखते हैं क्या हाल हवाल था। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 31 लाख स्टॉक्स ट्रेड हुए थे, जिसमें से 10 लाख के आसपास की डिलीवरी ली गई, 30% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बीपीसीएल को दोस्तों मैं अगर नंबर्स पे लेकर के चलता हूँ, पहले वो देख लेते हैं। तो बढ़िया ये है, इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे है, जो वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि अब यहाँ पर स्टॉक मिले तो खरीद कर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक वापस से अपने इंट्रेंसिक वैल्यू पर आ जाता है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। आरओई देखिएगा, रिटर्न ऑफ इसमें डिविडेंड रिटर्न भी देखिएगा, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, कोई फ्लैग भी नहीं है, यानी पांचों उंगलियां घी में है दोस्तों, स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं फोरकास्ट में आता हूँ, ओवरव्यू दिखाने के बाद मैं फोरकास्ट में आकर आपको दिखा देता हूँ। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, लार्ज कैप है, यहाँ पर रिस्क देखिएगा बहुत ही कम, पी केवल 5 का है और पीबी 1.5 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं फोरकास्ट दिखा देता हूँ दोस्तों, तो लगभग 34 में से 33 लोग आपको कह रहे हैं कि भाई खरीद लो यार। फाइनेंशियल भी एक बार दिखा दूँ ताकि इंप्रेशन और भी तगड़ा बन जाए। यहाँ पर देखिएगा, 5 साल में से कंपनी का जो ग्रोथ है या फिर जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 4.61 रहा, और यहाँ पर इंडस्ट्री का 5.5 के आसपास का है। मार्केट यहाँ पर गिर चुका है इनका 1% के आसपास से, लेकिन नेट इनकम आप देखिएगा 14.85 बढ़ गया, जबकि इंडस्ट्री का सिर्फ 12% के आसपास है। टोटल रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ईपीएस काफी बढ़िया, 39.15, और यहाँ पे लगभग 80 के आसपास ये पहुंच चुका है। आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा होते ही रहेंगे, तो उसके साथ में जो ईवी हम लोग लेकर करके आ रहे हैं यहाँ पर, उससे भी बन करके बात निकल करके आती है। अब बीपीएससीएल के बारे में, चार्ट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देखिएगा एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। डिविडेंड ये दे चुके हैं, साल में मेरे ख्याल से 4 बार डिविडेंड देते हैं ये लोग, तो डिविडेंड ये लोग दे चुके हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये कहाँ तक गिरावट हो सकती है। 360 पहुंच चुका है, यहाँ पर देखिएगा एक काफी बढ़िया सपोर्ट दिखाई देते हैं हर बात में, हर लेवल पर, हर साल में। तो मेरे ख्याल से 360 के नीचे जाने के चांसेस इसके काफी कम है। यहाँ पर आप अगर देख सकते हो कि सेलिंग वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर गिरावट आकर के 360 के आसपास रुकेगा, और यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार कोशिश कर चुका है, बाउंस बैक हो चुका है, दूसरी बार करके वापस से बाउंस बैक हो चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से ये वापस से बाउंस बैक कर सकता है, और यहाँ पर आप देखिएगा सेल लेवल जो आरएसआई पे बिलीव करते हैं वो भी एक बार देख ले भाई, यहाँ पर ये 42 आ चुका है, और ये ज्यादा से ज्यादा जो है 40 या 35 तक जा सकता है, उसके नीचे शायद जा नहीं सकता। अब यहाँ पर न्यूज के बारे में बात करें तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेश प्रोसेस जो है ये शुरू करेंगे, अगर इनके पास बिडिंग नहीं आती है। यहाँ पर बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बिड आ रही है, अगर ये बिड इनके हिसाब से नहीं आती है तो ये सारे प्रोसेसेस कैंसिल करके फ्रेश वापस से शुरू करेंगे। दूसरी बात देखिएगा, बीपीसीएल दो ईवी कंपनीज के साथ में बात कर रही है उनके आउटलेट्स पर, उनके चार्जिंग सेशन स्टेबलाइज करने के अंदर। यहाँ पर आप देखिएगा टोटल 1400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की प्लान हो रही है, जहाँ पर फोर व्हीलर का ईवी फैसिलिटीज होंगी कम से कम 7000 आउटलेट्स पे। तो आप देखिएगा 7000 पेट्रोल स्टेशन पे अगर ये ईवी लगा दे तो डेफिनेटली ये मार्केट में अच्छा खासा अपना जो है वो एरिया कवर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये इन्होंने जो है ईवी चार्जिंग कॉरिडोर भी बना डाला है चेन्नई, त्रिची और मदुराई हाईवे पे। तो यहाँ पर 10 ईवी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन जो है इन्होंने लगा दिए हैं, 900 किलोमीटर का ये एरिया है।
और ये काफी बढ़िया शुरुआत में कहूंगा। तो यहाँ पर आपका पेट्रोल का सेटअप ऑलरेडी है, डीजल का सेटअप ऑलरेडी है, और आप ईवी का सेटअप भी लगा रहे हो और उसमें से आपने शुरुआत भी कर दी है। और ये सारी चीजें अगर प्राइवेटाइजेशन के अंदर चली जाती है दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ से ज्यादा आउटपुट बिजनेस निकालने की कोशिश प्राइवेट वाली कंपनियां करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको आने वाले समय में फायदा होगा, पांचों उंगलियां घी में। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा वेदांता का दूसरी खबर के भाई, इन्होंने इनका जो पैरेंट कंपनी के साथ मर्जर वाला प्लान था वो कैंसिल कर दिया, तो इनके पास फंड काफी पड़ा हुआ है, तो इनके चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर बीपीसीएल को लेकर के जो भीड़ हो रही है इसमें ज्यादा से ज्यादा बेटर अमाउंट की बिड करने में। तो मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपको ये कंफर्म कराने के लिए कि भाई यहाँ पर अभी एक मौका बन रहा है बीपीसीएल के अंदर, आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना करने के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक किए बिना जाइएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।